भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस जीत के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही नीरज ने इस प्रतियोगिता में 19 साल से चले आ रहे पदक के इंतजार को भी खत्म कर दिया है। नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज से पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन ने 90.54 मीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ नीरज ने अपने करियर में सभी बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। इससे पहले वो टोक्यो ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। काफी अच्छा कंपटीशन रहा और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज। आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था मुझे, अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं। ये भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अद्भुत नीरज चोपड़ा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर आपने एक बार फिर विश्व में भारत का झंडा गाड़ दिया, भारतीयों को गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक जीतकर पहले भारतीय पुरुष और दूसरे भारतीय एथलीट बने। नीरज ने अब तक हर बड़ी वैश्विक प्रतियोगिता में पदक जीता है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर पानीपत में उनके आवास पर जश्न का माहौल है।